हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रांस एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिस निकल के आया है। क्या सभी एग्जाम कैंसिल हो गए हैं? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का यूजी एग्जाम, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का पीजी एग्जाम, जो इंट्रांस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, क्या वो सब एग्जाम कैंसिल हो गए हैं? तो चलिए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज टू री एफर्म दैट फ्रॉम द ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स द WBJEEB विल रेस्ट्रिक्ट इट्स एक्टिविटी इन कंडक्टिंग कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, सिंगल विंडो काउंसिलिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स चॉइस एमोंग वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और मल्टीपल कोर्सेस ब्रांचेस ऑफर्ड बाई दोज इंस्टीट्यूशन। WBJEE ने बता दिया है कि इस साल किसी भी तरह का वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है। कंसिडरिंग द अबव, फ्रॉम 2021 एंड ऑनवर्ड्स WBJEEB विल नॉट कंडक्ट इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक इंट्रांस एग्जामिनेशन। जो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक इंट्रांस एग्जामिनेशन होता है वो इस साल नहीं होगा। हेंस द PUBDET, मतलब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो UG में एडमिशन के लिए जो इंट्रांस एग्जाम होता है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का ही PG कोर्स के लिए जो इंट्रांस एग्जाम होता है वो इस साल नहीं होगा। एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन टू वेरियस UG एंड PG कोर्सेस रिस्पेक्टिवली इन ओनली प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एंड JEE DEC एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन टू 5-year इवनिंग बैचलर डिग्री। जो 5-year इवनिंग बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने वाला जो एग्ज़ाम होता है JEE DEC का, जो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में होता है, वो भी इस साल नहीं हो रहा है। अनटिल देयर इज एनी रिवाइज डिसीजन बाई द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन दिस रिगार्ड, द बोर्ड रिग्रेट्स एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन दिस रिगार्ड। बोला गया है कि WBJEE इस बार किसी तरह का इंट्रांस एग्जाम नहीं लेगा। जो भी एग्जाम हुआ होने वाला था वो सब कैंसिल हो चुका है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का कोई भी UG के लिए या PG के लिए इंट्रांस एग्जाम नहीं हो रहा है। WBJEE इस साल कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर रिफंड के लिए कोई नोटिस निकल के आता है तो आपको हम बता देंगे कि रिफ़ंड कैसे लेना है, कब लेना है, कब से रिफ़ंड शुरू होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था उनको रिफ़ंड ज़रूर मिलेगा। अभी तक रिफ़ंड के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो यही थी आज की अपडेट कि इस बार फिर से 80-20 का बेस्ड पे 80-20 बेसिस पे शायद हो सकता है, जैसे पिछले साल कोरोना में एडमिशन हुआ था स्टूडेंट्स का, उसी तरह इस साल भी शायद एडमिशन होगा। इसलिए इस साल कोई भी तरह का इंट्रांस एग्जाम नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, ये नोटिस पढ़ सकते हैं खुद से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।